किसानों ने आवारा पशुओं को नगर पंचायत कार्यालय में किया बंद। यूपी के योगी सरकार भले ही आवारा पशुओं को लेकर बेहद गंभीर हो, लेकिन जनपद सीतापुर के आदर्श नगर पंचायत माहौली शासन के निर्देशों को न मानते हुए आवारा पशुओं के प्रति जरा भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते किसानों की फसलें पशुओं के द्वारा चौपट की जा रही हैं। इससे परेशान होकर आज सैकड़ों किसानों का नेतृत्व करते हुए सपा नेता अरुण दीक्षित मोनू दर्जनों आवारा पशुओं को लेकर नगर पंचायत के कार्यालय पर पहुंचे। क्यों चावल खाओगे ना? रिकॉर्ड टूट चुके हैं, हदें हो चुकी हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी चलिए, अभी एसडीएम साहब को भी बुला लीजिए, प्रशासन पूरा बुला लीजिए। हम लोग को गुंडई लफंगाई करने वाले, चोरकटाई छेप काटने वाले लोग नहीं है, किसान आया हुआ है। इनसे किसानों से बात कर लीजिए, 5 मिनट निकल के बाहर। हम तो ये कह रहे हैं, और रह जाए ज्ञापन की बात, ये किसान लिखना पढ़ना नहीं जानते, ये कक्षा 8 पास भी नहीं है, ये ज्ञापन नहीं दे पाए। हम किसान ही है, आज हम किसान हो या कुछ भी, हम किसानों के साथ आए हैं, हम इनके हमदर्द हैं, और आप भी हमदर्द बनिए। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि ईओ साहब से लेकर अध्यक्ष और सरकार तक को, कि ठेकेदारों के कमीशन से पेट नहीं भरेगा जब तक किसान, कम से कम थोड़ी सी गंभीरता बना लीजिए तो हमारा भी बन जाएगा, आप लोगों का भी बन किसान जाएगा। नहीं, लेकिन किसान लेके ना आए, किसान की कहीं सुनी ही नहीं जाती, कहीं भी जाएंगे किसान मार के भगा देंगे। हम सब किसान हैं यहाँ से। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है कि हम लोग इसको लेकर गाय को यहाँ आ गए, ये किसान लेके आए, हम इनके हम खुद सब लोग किसान मिलकर लेके निकल आए हैं, जबकि हमारे गांव की सुनवाई किसी की। इस बीच एसपीएलआर कुमार के निर्देश पर माहौली कोतवाल धर्म प्रकाश शुक्ला तथा एसडीएम नीरज प्रकाश पटेल एवं तहसीलदार अभिमन्यु वर्मा के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित किसानों को शांत कराया। तब तक की व्यवस्था ये रहेगी कि जो पशु हमें मिल जाएंगे उनको हम कांजी हाउस भेजेंगे,